उत्तर प्रदेश के हरदोई में बना महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए कारगर साबित हो रहा है। यहाँ पर महिलाओं की शिकायतों का निपटान हो रहा है। इतना ही नहीं, हेल्प डेस्क में एक महिला नंगे पैर अपने पुत्र की शिकायत करने जब पहुंची तो यहाँ उसकी शिकायत का निपटान तो हुआ, साथ ही बुजुर्ग महिला को चप्पल व साड़ी भी कोतवाल द्वारा दिलवाई गई। यहाँ आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के थानों में बने महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अब महिलाएं निसंकोच थानों में जाकर महिला पुलिस अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिसके चलते लोगों ने अपनी शिकायत यहां देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के हरदोई में खुले महिला हेल्प डेस्क में पुत्र की प्रताड़ना से परेशान एक बुजुर्ग महिला नंगे पैर आई। उसने कोतवाल उमाशंकर उत्तम को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने इस महिला की परेशानी का ना सिर्फ हल निकाला बल्कि उस महिला को चप्पल और नई साड़ी भी खरीद के दी और उस महिला के पुत्र को कड़ी हिदायत देकर अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए आदेशित किया, साथ ही भविष्य में अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी नसीहत दी। हरदोई से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।